नमस्ते, मैं नंदी आप सबका स्वागत करती हूँ समथिंग स्पेशल फॉर यू में। मुझे कुछ दिनों पहले रिक्वेस्ट आई थी तंदूरी मोमो बनाने के लिए, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ तंदूरी मोमो बनाने की रेसिपी। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे बनाने में आपको बिल्कुल भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं तंदूरी मोमो बनाने की रेसिपी। तंदूरी मोमो बनाने के लिए मैं सबसे पहले बनाऊंगी डो। डो बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मैदा, नमक स्वाद अनुसार, छोटा चम्मच सिरका, एक छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल। तंदूरी मोमो की फिलिंग बनाने के लिए मैं ले रही हूँ पत्ता गोभी, इसे मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, कद्दूकस किए हुए गाजर, कद्दूकस किए हुए पनीर, मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिए हैं, बारीक कटे प्याज, नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्ची, बारीक कटे अदरक, इसे आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, आधा छोटा चम्मच सोया सॉस, आधा छोटा चम्मच तंदूरी मसाला। तंदूरी मैरिनेशन बनाने के लिए मैं ले रही हूँ दही, इसे मैंने छन्नी में डालकर इसका जो एक्सेस वाटर था उसे निकलने के लिए छोड़ दिया, और अब ये काफी थिक हो चुकी है और हमें ऐसे ही कंसिस्टेंसी में गाढ़ी और थिक दही चाहिए। बेसन, अदरक लहसुन का पेस्ट, तेल, इसे हमें गर्म करने के बाद ठंडा करना है, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच तंदूरी मसाला। डो बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक बॉल, बॉल में मैं डालूंगी मैदा, यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसमें मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, सिरका और रिफाइंड ऑयल। सिरका डालने से हमारा जो डो है वो काफी सॉफ्ट बनेगा और इससे हमारे मोमो में सॉफ्टनेस आएगी। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार कर लूंगी। डो बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हमें डो ज्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, अगर डो ज्यादा सॉफ्ट होंगे तो हमें इसे शेप देने में प्रॉब्लम होगी। मैंने इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से गूंद लिया है और अब हमारा डो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने इसे ना तो ज्यादा सॉफ्ट रखा है और ना ही ये बहुत ज्यादा हार्ड है, ये बहुत अच्छा बना है। अब मैं इसे रखूंगी रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए और मैं करूंगी फिलिंग की तैयारी। तंदूरी मोमो की फिलिंग बनाने के लिए मैं एक बॉल में लूंगी पत्ता गोभी, इसे हमने कद्दूकस करके रखा था, साथ ही मैं डालूंगी गाजर, इसमें मैं डालूंगी नमक, नमक बिल्कुल थोड़ा सा डालें और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं थोड़ी देर इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी मैं, ताकि इसमें से पानी अच्छे से निकल जाए, और इसे रखने के बाद मैं तैयारी करूंगी तंदूरी के मैरिनेशन की। तो चलिए मैं इसे रखती हूँ साइड में और हम तैयारी करते हैं तंदूरी के मैरिनेशन। मैं ले रही हूँ एक तड़का पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, इसे हमें अच्छे से गर्म करना है ताकि इसके अंदर जो घास होती है वो अच्छे से निकल जाए, और उसके बाद मैं इसे थोड़ा ठंडा कर लूंगी। तंदूरी मैरिनेशन बनाने के लिए मैं बॉल में सबसे पहले लूंगी दही, इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच बेसन, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और अब मैं इसे करूंगी मिक्स। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी, ये थोड़ा थिक होना चाहिए और इसमें लम्स नहीं पड़े होने चाहिए। तंदूरी मैरिनेशन हो चुका है तैयार, अब मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल। सरसों का तेल हमने गरम करके रखा था और अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसे मैं डालूंगी इसमें। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैरिनेशन हो चुका है तैयार, अब मैं इसे रखूंगी रेस्ट करने के लिए साइड में और अब मैं करूंगी फिलिंग की तैयारी। सब्जियों में से जो पानी निकला था उसे मैंने निचोड़ कर इससे अलग कर लिया है
और अब मैं इसमें डालूंगी बाकी के सामान। मैं इसमें डालूंगी प्याज, कद्दूकस किए हुए पनीर, बारीक कटे अदरक, बारीक कटी हरी मिर्ची, आधा छोटा चम्मच सोया सॉस, आधा छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, मैं इसे थोड़ा और डाल रही हूँ, नमक स्वाद अनुसार। सब्जियों में मैंने नमक पहले भी डाला था, इसलिए मैं अभी इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और अब मैं मोमो की तैयारी करूंगी। तो चलिए हम बनाते हैं मोमो। मोमो बनाने के लिए मैं सबसे पहले टेस्ट करूंगी थोड़ा सा आटा, और अब जो डो हमने बना के रखा था इसे मैं अच्छे से मल लूंगी। इसका एक पोर्शन लूंगी और अब मैं इसकी छोटी गोलियां तैयार कर लूंगी। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूंगी। अब मैं इन्हें बेलूंगी। बेलते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि ये जो हम बेल रहे हैं ना तो बहुत ज्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला। इसे हम हल्का सा मोटा रखेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसे मैंने बहुत ज्यादा पतला नहीं किया है। और इस तरीके से मैं बाकी की सारी रोटियां भी तैयार कर लूंगी। मोमो बेस को मैंने बेल कर तैयार कर लिया है और अब मैं आपको बताऊंगी इन्हें शेप देने का तरीका। शेप देने के लिए मैं लूंगी एक बेस, इसमें जो फिलिंग हमने तैयार की है इसे रखूंगी बिल्कुल बीचों बीच। बहुत ज्यादा फिलिंग ना डालें, उतनी ही फिलिंग डालें जिससे कि हमें इसे शेप देने में परेशानी ना हो। अब एक किनारे को उठाते हुए मैं इसे दूसरे किनारे में इस तरीके से चिपका दूंगी। इसी तरीके से मैं इस साइड को उठा करके सेंटर में लगाऊंगी और इस साइड को भी मैं यहाँ पे सेंटर में मिला दूंगी। इस तरीके से ये शेप तैयार हो चुका है। अब जो ये कॉर्नर्स है मैं इन्हें सील कर दूंगी। हर तरफ से मैं इसे ऐसे सील कर दूंगी। अब एक पार्ट को दूसरे से इस तरीके से जॉइंट कर दूंगी। इसी तरीके से मैं दूसरे साइड को भी एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जॉइंट कर दूंगी। ये हमारा मोमो तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं बाकी के सारे मोमोज भी तैयार कर लूंगी। सारे मोमोज तैयार हो चुके हैं। मैंने इन्हें अच्छे से शेप दे दिया है और अब मैं इन्हें तलूंगी। तलने के लिए मैं एक कढ़ाई में तेल गर्म कर रही हूँ। तेल हो चुका है गर्म, इसे हमें मीडियम फ्लेम में रख करके पकाना है। अब मैं इस पे डालूंगी मोमोज। मोमोज को तलते समय एक बात का ध्यान रखें कि हमें इसे सिर्फ 70% ही पकाना है, हमें इसे पूरा नहीं कुक करना है। मोमोज एक तरफ से आधे पक चुके हैं, अब मैं इन्हें पलट कर और दूसरी तरफ से भी आधा पकाऊंगी और फिर मैं इन्हें तेल से निकाल लूंगी। ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, इन्हें पकने में थोड़ा भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। हो चुके हैं तैयार और अब मैं इन्हें तेल से निकाल कर
एक प्लेट में रख लूंगी। सारे मोमोज को मैंने तलकर तैयार कर लिया है और अब मैं इन्हें डालूंगी मैरिनेशन में। मैं इन्हें करूंगी अच्छे से मैरिनेट। मैरिनेट करने के बाद मैं इन्हें रखूंगी 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, ताकि ये अपने मैरिनेशन में अच्छे से मिक्स हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे मोमोज बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। अब मैं इन्हें फिर से एक बार पकाऊंगी। मैं एक पैन में गरम करूंगी थोड़ा सा ऑयल और इसे एक एक करके हल्के हाथ से पकाऊंगी। मैंने एक पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है और ये अब अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी मोमो, इसे मैं एक एक करके डालूंगी। ध्यान रखें फ्लेम लो होना चाहिए ताकि मोमो अपने मैरिनेशन में अच्छे से पक सके। मोमोज एक तरफ से अच्छे से पकने लगे हैं, अब मैं इन्हें पलट कर दूसरी तरफ से भी पकाऊंगी। इन्हें बिल्कुल हल्के हाथों से करें, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने इन्हें बीच बीच में पलटते हुए चारों तरफ से पकाया है। अब ये पककर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल कर अलग कर लूंगी। मोमोज हो चुके हैं तैयार। मुझे इन्हें तंदूरी टच देना था, इसलिए मैंने इन्हें थोड़ा सा ज्यादा पकाया है। आप चाहे तो इन्हें कम भी पका सकते हैं, पर इस तरीके से अगर आप इसे सर्व करेंगे तो इनमें ऑथेंटिक तंदूरी टच आएगा और ये बहुत टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियों को मोटे टुकड़ों में काट के रखा है। अब मैं इन्हें डालूंगी जो बचे हुए मैरिनेशन है उसमें और इन्हें हल्का सा सॉटे कर लूंगी। जो तेल जिसमें हमने मोमो बनाए हैं मैं इन्हें उसी में थोड़ा सा सॉटे कर लूंगी। सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, मुझे इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना था। अब मैंने जो मोमोज बना के रखे हैं मैं इन्हें इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हमारे तंदूरी मोमोज हो चुके हैं तैयार, पर अभी ये कम्प्लीटली से करूंगी स्मोक और डालूंगी। मोमोज को स्मोक देने के लिए मैं इसमें रखूंगी एक चारकोल का टुकड़ा, इसे मैंने जला कर रखा है। इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा घी। अब मैं इसे ढक्कन लगाकर इससे स्मोक निकलने दूंगी। मोमोज हो चुके हैं तैयार और अब मैं करूंगी इनकी प्लेटिंग। प्लेटिंग करने के लिए मैं लूंगी एक तंदूरी स्टिक, इसमें मैं लगाऊंगी कुछ कैप्सिकम। काफी गर्म है, इन्हें थोड़ा ध्यान से करें। इसी तरीके से बाकी सारे मोमोज भी तैयार कर लूंगी। तंदूरी मोमोज हो चुके हैं तैयार। अगर आपको मेरी ये
रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ और रेसिपीज़ लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।